ये गुफा तो सच में बहुत गहरी है भाई, ये और कितना अंदर जाएगी? यहाँ से तो बहुत ही ज्यादा गहरा लग रहा है मेरे को भाई। यहाँ से परिक्रमा करते हुए लोग भी दिखाई दे रहे हैं। ये है जेल जहाँ पहले कैदियों को रखा जाता था। तो हेलो एवरीवन, आज हम जाने वाले हैं बहुत ही स्पेशल जगह। ये है गोल्डन टेम्पल से जस्ट पीछे, आप जहाँ पर लंगर वगैरह खाने जाते होंगे, आपने 100% ये जगह नहीं देखी होगी। इस लंगर हॉल के जस्ट पीछे से ये गली जाती है। वैसे तो अभी ये गेट बना रहे हैं, लेकिन ये गली जो जाती है आप भी देख के हैरान हो जाएंगे। फतेह, ठीक हो? बढ़िया सारा कुछ? एक कैमरा बाबा जी। यह जगह देखने के लिए किसी को भी रोक टोक नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अमृतसर जाएं, आप ये जगह जरूर देखें। कि अब ये जगह सभी के लिए ओपन कर दी गई है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि भाई ऐसी भी ऐसा भी एक तहखाना है यहाँ पे यार। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पे, और ये देखिए सीढ़ियाँ यार कैसे बनाया होगा, मैं तो हैरान हूँ उस टाइम पे। ये देखो, ये सारी सीढ़ियाँ जाती हैं जमीन के नीचे, और ये कितना गहरा है कितना नहीं। चलिए हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। ये देखो, अगर आप खुद सोचो 500-600 साल पहले इस तरीके से डिजाइन करना, ओ भाई ये तो सच में बहुत गहरा है यार। या मेरे को लगा था कि बस थोड़ा सा नीचे जाएंगे और सीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। और आज के टाइम पे इस तरीके के डिजाइन्स पॉसिबल हैं क्या, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा यार। ये देखो, इतनी छोटी छोटी सीढ़ियां और बिल्कुल नीचे ठंडा है, ऊपर थोड़ी से गर्म माहौल था, नीचे थोड़ा ठंडा माहौल है यार। इट्स वेरी वेरी गुड यार। ये बारे में भी मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा कि ये क्या है। चलिए पहले कुआं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, पहले यहाँ से पानी भरा जाता था यार। ये भी कितना गहरा है भाई, सोचो यहाँ से लेकर बिल्कुल टॉप तक बनाना इज लाइक वेरी टफ जॉब अभी के लिए। ये देखो, यहाँ से ये सीढ़ियाँ जाती हैं। आई थिंक ये कुएं के लिए जाती हैं, कुछ नहीं कह सकता कि ये सीढ़ियाँ कहाँ जाती हैं, बट यार यहाँ पर लॉक कर दिया गया है इसको ताकि कोई और अंदर गहरे में ना जा पाए। जो सामने आप जगह देख रहे हैं ये है जेल, जो उस समय के जो भी कैदी वगैरह होते थे उनको बंद किया जाता था। ये स्थान को कहते हैं रामगढ़िया बुंगा। ये आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये रामगढ़िया जी का तख्त है। और जितने भी महाराजा हुए हैं उन्होंने कभी भी गुरु ग्रंथ साहिब जी के इक्वल तख्त लगाने की कोशिश नहीं की है। और सभी ने आपने देखा होगा महाराजा रणजीत सिंह जी को भी, वो भी एक छोटी सी कुर्सी पे बैठते थे। सामने जो लोग आपको दिख रहे हैं ये गोल्डन टेंपल की परिक्रमा में चल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गोल्डन टेंपल इस जमीन से बहुत ऊपर है। मीन्स गुरु ग्रंथ साहिब जी है जो जगह बनाई गई है यहाँ से ऊपर है, और तख्त जो है उनका नीचे है। आपके मन में अगर कोई भी सवाल आता है आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा ऊपर का भी दिखा देता हूँ आपको। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये तख्त है। उस समय आपको भी पता है कि औरंगजेब ने बहुत गलत गलत फैसले लिए थे। इस तख्त की 200 करोड़ रुपए तक की भी बोली लग चुकी है, लेकिन यह दिया नहीं गया है। इसको अभी भी गोल्डन टेंपल के बिल्कुल सामने रखा गया है। और यह है औरंगजेब का तख्त जो कि लाल किले पे था। जब बाबा बघेल सिंह जी ने लाल किले को जीता था तब इस तख्त को उखाड़ के वहां से, क्योंकि इसने बहुत सारे फैसले बहुत गलत किए, चाहे वो धर्म परिवर्तन से लेके हों या कोई भी फैसले हों, सभी गलत थे, तो उसको उखाड़ के यहाँ गोल्डन टेंपल के सामने रखा गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने पहले ये जगह विजिट की है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।